जंगल आ रहा है, लग जाएगा। जे जंगल, अरे 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 अरे, बस बस बेटा, अरे बेटा नहीं बेटी, हमारे में पैर नहीं पड़ती। क्या बात है बच्चों, आज अचानक इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं मुझे? पता नहीं अंकल, आज आपको देख के हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। हाँ सच में अंकल, चलिए। अच्छा ठीक है, खेलो। पापा एक मिनट, आप जाते जाते ना टप्पू का हेलीकॉप्टर शॉट देखते जाइए। हेलीकॉप्टर शॉट? हाँ। तू जाता है? अरे जेटा अंकल मस्त शॉट मारता है। हाँ। अच्छा दिखा। बेटा अभी नहीं, किसी दिन मैदान में जाएंगे ना, वहाँ दिखाना। अरे पापा हम लोग मैदान में कब जाएंगे, अभी यहाँ पर देख लीजिए ना। अरे बेटा यहाँ तेरे हेलीकॉप्टर शॉट से किसी का कांच बात टूट गया, खमखा बबाल हो जाएगी बेटा, आज रहने दे बेटा। पापा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, गोली तो बॉल बॉल पापा ध्यान से देखना शॉट। टप्पू ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा, उसने भिड़े का कांच टूट गया। ओ तेरी, अरे बाप रे जेठालाल, अभी भिड़े मिसाइल बनकर तुम पर गिरेगा। हाँ, तुमने क्या बचपन से टप्पू को ट्रेनिंग दी कि हर बार भिड़े का ही कांच तोड़े? अरे नहीं भाई, उल्टा मैंने तो उसका मना किया कि मत मार शॉट, लेकिन इसने मेरी बात मानी ही नहीं। सॉरी पापा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे आप सॉरी बोले हो बात क्या, जब टूट गया भिड़े का कांच। ओह माय गॉड, अभी तो भिड़े भाई आके बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं बबीता, मैं आत्माराम को कुछ भी बोलने नहीं देगा। आत्माराम आएगा ना तो मैं उसको बोल देगा कि तुमको डांटना है ना तो मेरे को डांटो, लेकिन जयलाल को मत डांटना। और जेठालाल, भिड़े को तुम तक पहुंचने से पहले मेरी दीवार पार करनी होगी, मेरी दीवार से गुजरना होगा। आपकी दीवार? अरे भाई वो दीवार नहीं, मतलब मैं बीच में आऊंगा ना, ये दीवार, इस दीवार को पार करना पड़ेगा। अरे ये तो हथियार लेके आ रहा है, लगता है अपने टूटे कांच का बदला मेरा सर फोड़ के लेगा। किसने मारा शॉट? सॉरी भिड़े अंकल, शॉट टप्पू ने मारा। मैं पापा को हेलीकॉप्टर शॉट दिखा रहा था। मैंने उसका मना किया मत मार। अरे क्यों मना किया जेठालाल, क्यों मना किया? अरे कितना अप्रतिम होता है हेलीकॉप्टर शॉट। अरे भारत में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनको ये शॉट खेलना आता है? बहुत कम, हर किसी के बस की बात नहीं है शॉट खेलना। और टप्पू, बेटा तुमने हेलीकॉप्टर शॉट मारा? वाह क्या बात है। ओ बेटा शाबाश, I am proud of you. ये तो भिड़े मास्टर ने 360 डिग्री टर्न मारा। हाँ। कमाल है भिड़े, टप्पू ने तेरे घर का कांच तोड़ दिया, तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और तू गुस्सा नहीं हो रहा? मैं क्यों गुस्सा करूँ पोपटलाल, मैं क्यों गुस्सा करूँ? अगर क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे तो कांच तो टूटेगा ही ना। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि आज के बाद अगर टप्पू ने खेलते हुए किसी का कांच तोड़ा तो कोई भी टप्पू को डांटेगा नहीं, उसका जो भी नुकसान होगा
उसकी नुकसान भरपाई मैं दूंगा, लेकिन मेरे टप्पू को कोई नहीं डांटेगा। ये बीड़े अंकल है क्या? दिख तो वही रहे। आज सूरज कहाँ से निकला है? सीरियसली यार, बीड़े मास्टर, तुम तो आज तक टप्पू को डांट रहे थे और आज तुम्हारा टप्पू हो गया। बिल्कुल आती भाई, अरे टप्पू कितना होनहार लड़का है, आप देखना ये एक दिन गड़ा परिवार का और पूरी गोकुलम सोसाइटी का नाम रोशन करेगा। भिड़े, आज अचानक मैंने टप्पू पे इतना प्यार कैसे उमड़ आया? दरअसल वो एक मिनट जरा आओ बता दो। एक्सक्यूज मी, चिठाला तुम तो टप्पू को रोज देखते हो, लेकिन तुमने कभी टप्पू को मेरी नजर से नहीं देखा होगा। तेरी नजर से मतलब? मतलब एक बेटी के बाप की नजर से। देखो जेठालाल, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, टप्पू और सोनू बचपन से साथ हैं और मैं चाहता हूं कि उनका ये साथ जिंदगी भर रहे। नहीं, वो तो मैं भी चाहता हूं। सच? हाँ, लेकिन अभी कल का कुछ बोल नहीं सकते ना। कल को सोनू की शादी हो जाएगी तो क्या पता उसका ससुराल कहाँ निकले, हो सकता है वो शादी करके कहीं फॉरेन चली जाए तो। नहीं नहीं जेठालाल, सोनू कहीं नहीं जाएगी, सोनू यही गोकुलधाम में ही रहेगी और उसका ससुराल भी गोकुलधाम में ही होगा। बस वो जाएगी तो ए विंग से बी विंग में, भीड़े हाउस से गड़ा हाउस में। अगर तुम चाहो तो इसको कवर मत कर। नहीं मतलब ये तुम क्या बोल गए भीड़े? क्यों तुम नहीं चाहते जेठालाल? अरे भीड़े, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? अरे सोनू जैसी बिटिया अगर हमारे घर में बहू बन के आती है तो ये तो गड़ा खानदान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है दोस्त। अरे भाई क्या बातचीत चल रही है दोनों के बीच में? कुछ नहीं बोपरलाल, ये भीड़े कह रहे हैं कि जेठालाल एक मिनट मैं क्या बोलता हूँ, अभी सबके साथ शेयर नहीं करते, क्या है ना टप्पू और सोनू अभी बच्चे हैं, उनको थोड़ा बड़ा हो जाने दो फिर सबको बताते हैं। अरे बताओ भाई, इसने क्या बात हो रही है आप दोनों के बीच में? ये भीड़े मुझसे वचन ले रहा था। किस बात का? यही कि अगर टप्पू कोई गलती करे तो उसे मैं डांटू नहीं। सच भीड़े? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई इन्होंने क्या खाया था सुबह? जनजनित मिसाल नहीं कतरी बेगड़ा है। खेलो टप्पू खेलो। अरे नहीं नहीं भिड़े अंकल, हम लोग कब से खेल ही रहे हैं पर पता नहीं क्यों अचानक पढ़ाई करने का मन कर रहा है। हाँ। चलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ, चलो, 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 चलो। ओके। कमाल है, कमाल तो कमाल हो ही जा रहे। ये तो बहुत कंफ्यूजन है। अनबिलीवेबल। चलो फिर आ। ओके, थैंक यू। ओके। अरे एक मिनट सब रुकिए जरा। सब। मुझे आप सबके सामने जेठालाल से कुछ कहना है। क्या? सॉरी। सॉरी? क्यों? आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें मेंटेनेंस को लेकर, सोसाइटी के नियमों को लेकर, मीटिंग में लेट आने को लेकर सुनाया है, उसके लिए सॉरी। और जेठालाल, आज के बाद जब तुम्हारा मन करे तुम मेंटेनेंस का चेक दे देना, तुम्हारे लिए कोई ड्यू डेट लागू नहीं होगी। और हाँ, मीटिंग में भी तुम अपनी मर्जी से आ सकते हो, तुम जब आओगे ना उसके बाद ही मीटिंग शुरू होगी। बाप रे, पोपटलाल मैं ठीक सुन रहा हूँ? भगवान, ये चमत्कारी अंगूठी तो कुछ ज्यादा ही अपना प्रभाव दिखा रही है, मुझे हजम नहीं हो रहा है। अकबर जेठा भाई।
आपकी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू है मधु बाबू। आज तक मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली। केठालाल भगवान करे तुम्हें ऐसी खुशी रोज मिले। थैंक यू वीड़े, थैंक यू। तो मैं चलूं क्या? जरा आटा लगा है ना तो साफ कर लेता। हाँ, चलो। अरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहा है? मैंने तुमसे हाथ मिला तो तुमने वो हाथ दिया तो मुझे लगा कि तुम भी चल रहे हो, इसलिए मैंने बोला चलो। नहीं नहीं मुझे तो दुकान जाना है, तू निकल निकल। ओके चलो चलो माता साहब। अरे क्या बात है यार, जेठालाल है भाई। रोज सुबह तो तुम्हारी सुबह जो है वो संगीन होती थी, आज तो रंगीन हो गई है, कमाल है। आज तो मुझे पूरी धरती स्वर्ग लग रही है, स्वर्ग। जी जी बिल्कुल जेठालाल जी, बिल्कुल जेठालाल जी, बिल्कुल जेठालाल जी, आपने ठीक सुना जी। आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं आपको जेठालाल जी कहकर बुलाऊंगा। अरे क्यों, अचानक क्या हो गया? नहीं अचानक कैसे जेठालाल जी, आप तो मेरी संकट में फंसी नाव पार कराने वाले खवैया हैं। मैंने क्या किया? अरे भाई जो कुछ किया आप ही ने तो किया। मान लीजिए आप बचपन में ये तय कर लेते कि मुझे नौकरी करनी है और व्यापार नहीं करना है तो क्या होता? लेकिन आपने सोचा कि मैं व्यापार करूंगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोलूंगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खोली तो नटू काका और बाघा को रखा तो मेरी इस वजह से उनसे मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपनी समस्या उन्हें बताई, और मैंने जब अपनी समस्या उन्हें बताई तो उसका निवारण करने हेतु उन्होंने ये अंगूठी मंगवाई, और इस अंगूठी ने चमत्कार कर दिया है जेठालाल, चमत्कार। अच्छा क्या 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 चमत्कार किया? अरे जेठालाल जी चमत्कार मतलब, अरे अंजलि सुधर गई है, उसके दिमाग से डायट शब डिलीट हो गया। बोला मैंने अंगूठी से प्रार्थना की, अंगूठी जी अंजलि को सुधार दो, उसके दिमाग से डाइट शब्द निकाल दो, मुझे रोज मसालेदार स्वादिष्ट खाना खिलाइए, प्रार्थना की अंगूठी से, और प्रार्थना सुन ली गई है। अब वो मुझे स्वादिष्ट मसालेदार खाना खिलाने वाली है। अरे तारक, आप अभी तक यही खड़े हैं? चलिए घर चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही हूँ। चिड़ भाई आप भी चलिए, ATM स्पेशल गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, चलिए। अरे मुझे छोड़िए अंजलि बाबू, आप तो मेहता सबको खिलाइए, बरसों से तरस रहे हैं बेचारे। अरे वैसे बात तो सही है, आई एम वेरी सॉरी तारक, मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी, बरसों से आपकी जुबान और आपके पेट पे अत्याचार कर रही थी, लेकिन आपने, अब ऐसी गलती मैं सपने में भी नहीं करूंगी। आज से मैं आपको आप जो कहेंगे वही खाना बना के खिलाऊंगी, हमेशा मसालेदार चटाकेदार। बोलो। थैंक यू अंजलि। चलिए घर चलिए, अभी तो मुझे आपके लिए स्ट्रॉबेरी कुल्फी मलाईदार फालूदा बनाना है। जेठा भाई आप फालूदा तो खाएंगे ना? नहीं नहीं आप तो मेहता सबको खिलाइए, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। अभी गुजरात की गाड़ी कैसे हो माय डियर चाचा जी? सुंदर यहाँ? अरे ये सुंदर तो वो बला है जिसके सामने ये अंगूठी को भी अपनी रक्षा के लिए दूसरी अंगूठी पहननी पड़े। कैसे हो माय डियर चाचा जी? माय डियर आदरणीय चाचा जी, पहला को सदा सुहागन रहो, सदा दूर रहो, सदा खुश रहो, और दूसरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। क्या बात है भाई, अचानक कैसे पधरावणी हुई आपकी यहाँ? बताता हूँ माय डियर जीजा जी, बताता हूँ। भाई लोग ये लीजिए। आदरणीय माय डियर जीजा जी, ये पूरे 11,30,420 रुपए। ₹11,00,000? अभी ये क्या नया कांड है जीजा जी? आज से सुंदर भाई ने सारे कांड बंद कर दिए हैं। हाँ जीजा जी, आज तक सुंदर भाई सभी को झटके देते थे, अभी एक ही झटके में सभी को झटका देना बंद। हाँ माय डियर जीजा जी,
मैंने सब ऐसे वैसे काम छोड़ के अहमदाबाद में एकदम नीट एंड क्लीन काम करना शुरू किया है। ड्राई क्लीनिंग का काम, जीजाजी कृपा क्लीनिंग सेंटर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चल वो तो ठीक है, लेकिन ये तो अचानक इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहा है? माय डियर जीजाजी, आपकी जब से बहना के साथ मंगनी हुई तब से मैं आपके पास से पैसे ऐंठते ही आया हूँ। कभी टैक्सी फेयर, कभी फ्लाइट फेयर, तो कितने सारे मोबाइल भी मैंने आपसे ले लिए, वो सब का मिला के कुल 11,30,420 रुपए होते हैं। वही पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। बस इसका ब्याज बाकी है, वो भी मैं कुछ समय में आपको दे दूंगा। ये सुंदरी है, यकीन नहीं हो रहा है, ये अंगूठी तो वाकई में अति चमत्कारी निकली। किसी को कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि एक अंगूठी ने एक नगीने को सीधा कर दिया। क्या सोच रहे हो माय डियर जीजाजी? मैं सोच रहा हूँ कि तू इतना कैसे बदल सकता है। बदल गया हूँ माय डियर जीजाजी, मैं बदल गया हूँ, मैं जड़ मूल से बदल गया हूँ। बोलो, ये जड़ मूल से बदल गया? जीजाजी, अब से हमेशा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। नागिन डांस कर। भैलू बस नहीं, जब तक मुझे जीजाजी मना नहीं करेंगे तब तक मैं डांस मारती रहूंगी। मारती मारती रहूंगी? बस 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 सुंदर मर जाएगा, बस बस बस। सुंदर भाई डांस किया है? जीजाजी ने बोला था तो। माय डियर जीजाजी, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? पद्मावती भोजनालय का खा के आप कैसे हो गए हो? हाँ देखो तो सही, जीजा जी की आदत पुराने काकरिया तलाव जैसी हो गई है। सुंदर भाई, अब बहना को मायके में नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ माय डियर जीजा जी, मैं अभी अहमदाबाद जाके बहना को डांटूंगा और उसे बताऊंगा कि बहू का असली घर मायका नहीं अपना ससुराल होता है। अरे माँ को यात्रा पे जाना होगा तो गंगा मासी, जमुना मासी, कावेरी मासी, गोदावरी मासी, किसी भी मासी के साथ जा सकती है। हाँ? लेकिन बहना का सच्चा धाम तो ससुराल ही है। चिंता मत कीजिए माय डियर जीजाजी, मैं अहमदाबाद जाके पहली फ्लाइट से बहना को मुंबई भेजता हूँ। जीजाजी, कभी भी कुछ भी काम हो तो मुझे बताना, मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको मुझ पे गर्व होगा। आप सीना तान के रास्ते पे चलोगे और बताओगे कि देखो ये जा रहा है वो मेरा साला सुंदर है। ऐ मेरी कुंडली, ऐ मेरा भाग्य, तुम दोनों ने मिलके आज तक मुझे बहुत भगाया है, भगा भगा के मेरी पिदुड़ी निकाल दी है। लेकिन आज वो सब के लिए मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ, क्योंकि आज तुम दोनों ने एक ही दिन में मुझे जीवन भर की खुशी दे दी। माय डियर जीजा जी, आप और बहने जब भी खुश होते हो तो गरबा करते हो ना, तो हो जाए। सबसे बड़ा चमत्कार हो गया भाई, जेठालाल की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। सुंदर लाल ने जेठालाल से माफी मांग ली है अपनी तमाम गलतियों की, और यह भी वादा किया है कि अब परेशान नहीं करेगा, वैसा ही बन के रहेगा जैसा जेठालाल को अच्छा लगे। भाई कमाल हो गया है, तो सुंदर लाल ने माफी मांग ली, यानी मिर्ची की तरह तीखा सुंदर इस वक्त बिल्कुल मलाई चमचम की तरह मीठा हो गया है। जेठालाल खुशियों के आसमान पे है भाई, इस चमत्कार के बाद क्यों ना होगा, जेठालाल बेहद खुश है। लेकिन आप तो जानते हैं मित्रों, ये गोकुल धाम है, यहाँ पे जाना होता है, पूरब पहुंच जाते हैं पश्चिम, यहाँ का एयर कंडीशन कब हीटर में तब्दील हो जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए मुझे ये लगता है कि जेठालाल इस वक्त जरूर खुश है, लेकिन भाग्य कुछ और खेल खेलने वाला है। गोकुल धाम का भाग्य कुछ ऐसा खेलेगा कि वो होगा जो आपने मैंने किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन अब क्या होगा ये तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप अपने घरों में हंसेंगे, वो भी बिना चमत्कारी अंगूठी के। सिर्फ मैं देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।